गाइज वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टीजी टॉक। इससे पहले हम आज का एपिसोड शुरू करें, आई हैव वन मेजर अनाउंसमेंट। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा, विच इज़ दी टीजी कनेक्ट अनाउंसमेंट। अगर आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए, अगर आपको यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉन्सर्ड एथलीट, एक इवेंट करा रहा हूँ 5th ऑफ जनवरी को मेट्रो वॉक रोहिणी में। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करा, डू इट नाउ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ। 5th ऑफ जनवरी को रोहिणी मेट्रो वॉक न्यू दिल्ली में, इट्स फ्री रजिस्ट्रेशन, स्पॉन्सरशिप इवेंट। VX न्यूट्रिशन एक अमेरिकन कंपनी, वो इंडिया में आ रही है एंड दे आर लुकिंग फॉर फेसेस। आप भी हो सकते हैं। सारे एथलीट्स इंक्लूडिंग जो आज के हैं, सारे जिन्स जो जो टीजी टॉक्स में आते हैं, यू नो दे विल बी पार्ट ऑफ इट। वो वहाँ गेस्ट पोजिंग करेंगे और आप भी वहाँ आ सकते हैं, गेस्ट पोज कर सकते हैं। इट्स अ फ्री इवेंट। और आज का टॉपिक भी बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए बिकॉज आप इतनी तैयारी करते हैं। मैं एंड आई सी सो मेनी यंग बॉडी बिल्डर्स, यू नो, प्रिपेयरिंग फॉर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो भी एक यंग एथलीट है, इंडियाज यंगेस्ट मिस्टर इंडिया। इनकी भी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और शायद आपको मोटिवेट भी करेगी। स्टोरी ये मैं समराइज कर दूंगा, देन वील मीट हिम। कि जब आप ग्रो करना शुरू कर देते हो लाइफ में, तो आपके लिए काफ़ी लोग आपके सपोर्टर भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आपसे जेलस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जेलसी में आपके कभी कभी गुरु भी आपको लेके जेलस होते हैं। बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा होता है। मैंने देखे हैं गुरु की या उनके कोच की अपने स्टूडेंट को लेके थोड़ी भावनाएं चेंज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि यार ये बहुत एरोगेंट हो गया है, यू नो ही इज़ नॉट द सेम। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, राइट। और फिर वहाँ से जब स्टार्ट होता है एक एपिसोड, वो जेलसी, जब कोच अपने स्टूडेंट को लेके जेलस है, वो फिर कुछ भी कर सकता है। ही कैन एक्चुअली बिकम वेरी डिस्ट्रक्टिव। और उस डिस्ट्रक्शन में आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी खराब भी हो सकती है। तो यही स्टोरी शेयर करने के लिए आई हैव इंडियाज यंगेस्ट मिस्टर इंडिया, सागर भाई। वेलकम टू द शो भाई। अच्छा लग रहा है आके? सर यस सर। सो सागर फाइनली इज हियर। तो सागर के मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि सर आई वांट टू शेयर माय स्टोरी। अगर आपको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है, गाइस गो टू www.tarungilltalks.com और अपने आप को रजिस्टर करिए। एंड फॉर ऑल यू नो, यू कैन बी राइट हियर। सो सागर, लेट्स स्टार्ट भाई। तो कब से स्टार्ट की बॉडी बिल्डिंग? कितनी एज है तुम्हारी अभी? सर 21। यस, यंगेस्ट मिस्टर इंडिया, ये कैसे हुआ? सर राइट नाउ मैंने इस 18 में मिस्टर इंडिया वर्ल्ड विन करा था। अपने कैटेगरी में गोल्ड मारा था मैंने, एंड ओवरऑल मैंने कैटेगरी में गोल्ड मारा था। एंड 17 में आई वॉज थर्ड इन मिस्टर डेली कॉम्पिटिशन, बट इस साल मैंने ओवरऑल विनर इंडिया मारा है, तो इसलिए लाइक मिस्टर इंडिया, यंगेस्ट मिस्टर इंडिया। तो ये मेंस फिजिक में? या मेंस फिजिक। सो मेंस फिजिक इंडियाज यंगेस्ट मिस्टर इंडिया, सो कांग्रेचुलेशंस यार। अब बात करते हैं तुम्हारे कोच की, यू नो, जो, और नाम किसी का नहीं लेंगे हम, क्योंकि देखो मैं आई रिस्पेक्ट एथलीट्स, आई रिस्पेक्ट पीपल। तो आई हैव टोल्ड सागर किसी का नाम नहीं लेंगे, और बस ये एक एपिसोड है आप सबको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप भी इन चीज़ों से थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, सतर्क रहें, अटेंटिव रहें, कॉशियस रहें। सो लेट्स स्टार्ट, कैसे हुआ जब तुम तैयारी कर रहे थे? आई वॉन्ट यू टू शेयर द होल एक्सपीरियंस। सर जब मैं तैयारी कर रहा था तब कुछ नहीं था। जब मैंने लाइक आफ्टर विनिंग मिस्टर इंडिया, सर उसके बाद से ना लाइक बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया, लाइक मेरे ऊपर काफ़ी चेंज। तुम्हारे कोच का? या मेरे कोच का काफ़ी चेंज। जब भी मैं कुछ पूछता था तो सर थोड़ा मुंह बना लिया, या मतलब रूड नहीं थे, बट लगता था, अंदर से फीलिंग आती थी कि लाइक कुछ चल रहा है उनके माइंड में, लाइक कुछ रॉन्ग चल रहा है। तो मेरे को लगा कि जैसे कि उनका रॉन्ग माइंड में चल रहा है, तो मेरे को लगा कि शायद मे बी मेरे को अब इनके अंडर ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर मैं इनके अंडर ट्रेनिंग करूँगा तो मे बी लाइक ही कैन हार्म मी। तो सर पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा लाइक इसके लाइक अलग से, कि जितने भी यंगस्टर सर आजकल है ना सर, जो भी जिम कर रहे हैं, जिनको बॉडी बनानी है 6 महीने में 4 महीने में 2 महीने में, और वो कुछ भी ले लेते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग, उन्हें कुछ नहीं पता कि वो इनकी बॉडी में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। सर मेरी जिम की बात है, मैं नाम ही लूँगा, मेरी जिम की बात है, लाइक दो बंदे आए, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को बॉडी बनानी है, तो मैंने बोला कि उनसे बात कर लो, मेरे से बात मत करो, जो मेरे गुरु हैं उनसे बात कर लो। एंड उन्होंने पैसे दिए, बट उनके पास उनको मैं लाइक एनालाइज कर रहा हूँ, उनको पता ही नहीं कि बॉडी में क्या जा रहा है। नहीं सर वो पहले से ही करते थे, वो कुछ नहीं बता रहे कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। तो सर मेरा यही मैसेज है जितने भी यंगस्टर्स हैं, कि भाई जो भी लो ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लाइक साथ लो, बिना भी लाइक कुछ सोच समझे कुछ मत लो। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था क्या सागर, जैसे कोई गुरु तुम्हारे बिना कुछ बताए ऐसा, जैसे आई एम श्योर ऐसा होता था सर होता था। तो सर मेरे को वही चीज़ काफ़ी लाइक अब हिट करी है, तो मैं सबको ना लाइक वो करता हूँ कि भाई कुछ भी ना लो तो पहले तो उसके पहले इन्फो जानो कि तुम क्या ले रहे हो, और उसे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। एंड दूसरी बात ये है कि अगर जो भी आपका जो गुरु है, पहली बात तो वो उसका लाइक एजुकेशन पर्पस बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइक वो काफ़ी एजुकेटेड होना चाहिए, तभी वो आपको प्रॉपर एजुकेट करेगा। बिकॉज सर ये फील्ड ऐसी है कि लाइक प्रॉपर साइंस वाली फील्ड है,
ये नहीं कि आपको बस रट्टा मारा, कुछ भी लगा दिया, कुछ भी कर दिया। क्योंकि देखो एक कोच का काम होता है ना, वो एक तरीके का डॉक्टर है। और उनको, और कई, मैं ये नहीं मानता कि उनके पास एजुकेशन होती है, कई मैं ऐसे देसीज को भी जानता हूँ जो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। वो गाइड इसलिए करते हैं कि उनकी नीयत, उनकी इंटेंशन अच्छी होती है। तुमने अभी एक बहुत बहुत अच्छी बात बोली कि वो कुछ भी बिना लगा देते थे, बिना बताए। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता था? सर बहुत बंदे हैं, मतलब सर जितने भी जिम में ना, सर आई गारंटी कि किसी को नहीं पता कि उनकी बॉडी में क्या जा रहा है। तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है कि तुम्हारे गुरुजी को, तुम्हें पता था, तुम्हें बहुत एजुकेशन है, तुम बहुत पढ़े लिखे लगते हो इस बारे में, तुम भी इनकी बातों में आ जाए, तुम भी कुछ भी लगा रहे थे, वो लगा देते थे, तुम लगा लेते थे? सर यस सर, एक होता है ट्रस्ट सर, जो इंडिया में सर जब हम किसी अपने गुरु को ट्रस्ट करते हैं ना सर, हम कुछ नहीं देखते सर, टू बी ऑनेस्ट हम अपनी बॉडी तक नहीं देखते हैं सर। जो मैं अब सर मैं क्या बोलूँ, अगर मैं कुछ चीज़ अपने ऊपर यूज़ कर रहा हूँ ना सर, मैं उसको 100 बार सर्च करता हूँ, लाइक कुछ फेस वॉश हो गया, कुछ भी हो गया, बट सर ये तो मेरी हेल्थ की बात है, मैं तब भी ट्रस्ट करके कि कोई दिक्कत नहीं, आई ट्रस्ट हिम फुल्ली, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, और जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। तो भले भले के लिए करा कुछ सर? भले के लिए हुआ है, बट थोड़ा तो नुकसान भी हुआ है बॉडी में। मैं सर मैंने लाइक पहले एक बार रिपोर्ट करवाई थी अपना, उसका LFT KFT, तो उसमें हल्का फुल्का दिक्कत आई थी टू बी ऑनेस्ट। तो तब से मेरे को हिट करा कि नहीं, मे बी आई शुड लाइक, मेरे को चेंज करना चाहिए, मेरे को अब थोड़ा गाइडेंस थोड़ी गलत मिल रही है, एंड मे बी जेलसी बढ़ती जा रही है, तो उसके चक्कर में मेरी शायद बॉडी हार्म हो रही है। तो तुम जब गए थे उनके पास, तब तुम कोई कंपटीशन नहीं जीता हुआ था, कुछ नहीं जीता हुआ था, तो शुरू का इंसिडेंट बताओ कि कैसे तुम उनके पास गए, कैसे तुमने उनके जाना, कैसे? सर उनसे मिला था 17 के जस्ट स्टार्टिंग में जैम में, उससे पहले मेरी बॉडी थी लाइक आई वाज रिप्ड, मैं रिप्ड था, मतलब कि ये था मेरी एब्स थी, ये नहीं था कि मैं मतलब कि बिल्कुल ही बेकार था, मैं था सही, बट उन्होंने मेरे को एक राह दिखाई कि जैसे आपका वे ये है, आपको इस वे पे जाना है, तो उन्होंने मेरे को लाइक उन्होंने मेरी बॉडी ग्रो करवाई, लाइक मसल्स अच्छे करवाए, लाइक मेरी बॉडी ओवर मैच्योर करवाई। देन उन्होंने मेरे को मिस्टर डेली कम्पीट करवाया, मैंने उसमें 3rd place मारी थी मेंस फिजिक में, फिटनेस मॉडलिंग में, तो उसके बाद मेरे को थोड़ा ओवर बूस्ट मिला कि अब मुझे, अब तो मुझे और लाइक बढ़िया करना है इस मेंस फिजिक फील्ड में, तो मैं और घुस गया इस फील्ड में, मैंने और लाइक रिसर्च करी, तो उसमें गुरु जी ने लाइक और हार्डवर्क करवाया। बीच में सर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुआ जो मैं शेयर नहीं कर सकता, थोड़ा पर्सनल है, थोड़ा लाइक उन्होंने मेरे को काफ़ी लाइक फेक चीज़ भी दी थी बीच बीच में, जो कि मैंने लाइक उनको बोला ही नहीं कि आपने मेरे को कुछ गलत दिया है, बिकॉज अगर उनको मैं बोलता तो मे बी जो मेरा मिसस्टैंडिंग जो मेरा कंपटीशन था वो मे बी शायद रियून हो जाता, स्पॉइल हो जाता। तो तुम्हें वो फेक चीज़ें दे रहे थे, तुम लेते गए ट्रस्ट की वजह से और रिस्पेक्ट की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से, ताकि अगर मे बी मैं उनको बोलूँ तो ऑब्वियस आर्गूमेंट होगी कि नहीं मेरा तो गलत ही नहीं है, तू गलत है, ये तो मतलब सही है। तो मैंने आर्गूमेंट उनसे करी नहीं, मैंने लाइक लिया एंड फेंक दिया, बिकॉज आई नो वेरी वेल, मैं लोगों को गाइड करता हूँ ऑनलाइन, मुझे पता है, मैं लोगों को मेरे से पूछते हैं बट मैं उनसे पूछता रहा, बिकॉज वो मेरे गुरु थे और मैं पूरा ट्रस्ट करता था, लाइक फुली ट्रस्ट करता था। आई मुझे पता है कि कब क्या चलाना है, कब क्या नहीं चलाना, कब क्या यूज़ करना है, कब क्या यूज़ नहीं करना। तो फिर तुम उनके पास गए क्योंकि तुम्हें सब पता था सागर सर? जब मैं उन पर गया तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी टू बी ऑनेस्ट, तब मैं उन पर गया था तब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, बट जैसे वो मेरे उनका नेचर था उनके लाइक मेरे ऊपर, तो उनका नेचर काफ़ी अच्छा था, लाइक उनको ऐसा भाई मानते थे, छोटा भाई मानते थे, एक बेटा मानते थे, छोटा बेटा छोटा भाई, जो मेरे को काफ़ी लाइक अट्रैक्ट कर रहा था कि हाँ मेरे को अब जो भी करना है इनके अंडर ही करना है। तो काफ़ी एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एडमिरेशन था सबके लिए। तो यू नो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कॉमन है। तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ सागर, एंड दिस इज़ अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट? तो देखो सागर, मैं इस चैनल के थ्रू ना कभी किसी को, चाहे तुम हो चाहे तुम्हारे गुरु हो, आई विल नेवर गिव देम अ बैड नेम, तभी हम किसी का नाम नहीं लेते। एक बात याद रखना, वो तुम्हारे गुरु हैं और गुरु का दर्जा, चाहे जैसा मर्जी गुरु हो या चाहे अच्छा हो बुरा हो, एक राह तुमने खुद बोला, उन्होंने मुझे राह दिखाई। तो अब तुम्हारी एक ड्यूटी है कि कभी कभी भी उनके बारे में बुरा मत बोलना, कभी भी, मतलब कोई पूछे ना कि यार क्या हुआ कैसा हुआ, नाम मत लेना, कुछ मत करना, इंसिडेंट शेयर करो। ये इंसिडेंट तुम शेयर कर रहे हो बिकॉज तुम लोगों को एजुकेट कर रहे हो, विच इज़ फाइन, ऐसा होता है। दूसरी बात, आई वुड से उनसे एक बारी बात करना जाके, शायद वो वीडियो देख रहे हो, तो उनसे पूछना कि सर मुझसे कोई गलती हुई है क्या, बिकॉज तुम छोटे हो, जैसे तुमने कहा तुम्हें वो बेटा मानते हो, कि सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, आपको लग रहा है तो प्लीज़ मुझसे आप शेयर करो, क्योंकि अगर तुम नहीं पूछोगे ना ये बात और बढ़ती रहेगी, और कल को तुम्हारे पास कोई और गुरु होगा, कल को तुम्हारे पास कोई और एक ट्रेनर होगा जो तुम्हें हेल्प करेंगे, कोच करेंगे, सब कुछ करेंगे, शायद ये प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है, फिर तुम्हें लगेगा कि अरे मेरे में प्रॉब्लम है या सारे इंडिया के कोचेज ही ऐसे, ऐसा नहीं है।
एक बारी उनसे तुम ज़रूर पूछना कि सर कुछ प्रॉब्लम है क्या, और दूसरी बात कभी उनके बारे में बुरा मत बोलना। अगर और मुझे पता है कोच जो है ना वो बोलेंगे क्योंकि यार वो ऐसा था वो वैसा था, बोलते होंगे अभी भी बोलते होंगे। सर मेरे को सुनने में आया है लाइक मैं नाम नहीं लूँगा ऑफिस से बात है, मेरा एक फ्रेंड था उसने वो बताया था कि सागर में ईगो आ गई है। सागर तो मिस्टर इंडिया बन गया भाई, टाइटल मारा है इतनी यंग एज में, विनर बना, ईगो आ गई है तो वो अपने आप में मास्टर बन रहा है अपने आप में, लाइक कि जो हूँ मैं ही हूँ बाकी दुनिया बाहर में जाए। तो सुनने में आया था कि मेरे ट्रेनर ने मुझको ऐसा बोला है, मेरे फ्रेंड ने बताया था मुझको, कोई नहीं मैं कुछ नहीं बोलूँगा बिकॉज आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम फुली। ऐसी बात नहीं कि अगर उन्होंने सब कुछ गलत करा है तो मैं रिस्पेक्ट नहीं करूँगा, बिकॉज जो मैंने अचीव करा है मैं लाइक बोलूँगा इस आपके चैनल पर, जो मैंने अचीव करा उनके उससे करा है गाइडेंस से, करेक्ट मेरा हार्डवर्क रहा है बट उनकी गाइडेंस रही है प्रॉपर। एग्जैक्टली उनका सपोर्ट रहा है, उनका सपोर्ट रहा है, उनकी गाइडेंस रही है, और ये तुम उनको एक तरीके का ओ करते हो कि मैं जो भी बनाऊँ आपकी वजह से बनाऊँ, कोई भी डिफरेंसेस हो अगर तुम उनके साथ तुम्हें लगता है कि यू नो वो उनकी सोच ऐसी बदल गई है, ठीक है ये ना अंदर से आवाज़ आ जाती बदल गई होगी, लेकिन तुम एज अ स्टूडेंट उनसे एक बार ज़रूर पूछना, या मैं उनसे अगर तुम कहो कि मैं इससे पूछा था उनसे कि अगर सागर ने कोई गलती करी है तो आप एक बारी उनसे बात करो, उनसे पूछो कि यार सागर ऐसा क्या हुआ है कि ये डिफरेंसेज आए, क्योंकि होगा क्या देखो आई डोंट वांट यू टू वर्क विद हिम, अगर दिल में कुछ रंजिश आ जाती है ना, वो एक दरार आ जाती है ना, वो फिर दोबारा काम नहीं होता। सर ऐसी आप अपनी हेल्थ से बिल्कुल भी लाइक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते सर, 1% नहीं कर सकते, और आप किसी को अपनी हेल्थ के ऊपर किसी को 1% चांस नहीं दे सकते। तो मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जैसे वो फेक दे रहे थे, और क्या क्या इंसिडेंट हुए कि तुम्हें लगा कि यार ऐसा कुछ गलत हो रहा है, क्या क्या हुआ ऐसा तुम्हारे साथ? सर टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतना तो कुछ नहीं, जैसे आपके चैनल में देखा पिंपल्स हो गए या कुछ हो गया, मेरे को ऐसा कुछ नहीं हुआ लाइक इतना बड़ा मुझे कोई हार्म नहीं हुआ, लाइक थोड़ा बहुत रिपोर्ट में सर आता है हल्का फुल्का अगर आप लेते हो या कुछ भी है सर, आप अगर आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो ना तो अभी आपका LFT KFT में हल्का फुल्का तो फर्क आता है, बिकॉज हम लाइक ज़्यादा मामले प्रोटीन्स लेते हैं, ज़्यादा मामले मतलब सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आता है, बट स्टिल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं, बट मेरे को लगा उनका नेचर देख के उनका वैसे देख के कि अगर मैं आगे और कंटिन्यू करूँगा तो मे बी मेरा कुछ ज़्यादा बड़ा हार्म हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ। जैसे तुम्हें लगा वो फेक दे रहे थे? फेक दे रहे थे, एक दो बार सर फेक दिया है, बट मैंने बताया ना आपको एक दो बार फेक दिया है, बट मैंने उनको कोई बोला नहीं कि आपने मुझे फेक दिया। अच्छा क्या नहीं बोला बट अब एक बार उनसे तुम पूछना कि सर अगर कोई गलती हुई तो मुझे बताना, और मुझे बताओ जैसे तुम अब यंगेस्ट मिस्टर इंडिया हो राइट, और लोग तुम्हारी अच्छी इंस्टाग्राम अच्छे लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, तुम्हारा गोल क्या, अगला नेक्स्ट गोल क्या है? सर नेक्स्ट गोल सर प्रो कार्ड है, तो ऑब्वियसली सर हम तभी ग्रो करेंगे सर, चाहे हम मिस्टर वर्ल्ड बन जाए, मिस्टर इंडिया बन जाए, 5 बार बन जाए, 6 बार बन जाए, सर देर इज़ नो बेनिफिट, देर आर नो बेनिफिट्स, कोई बेनिफिट नहीं। जब तक आपको अगर आपको आगे ग्रो करना है तो आपके लिए प्रो कार्ड होना चाहिए सर, वो प्रो कार्ड के लिए सर मैं अब इस ईयर क्रॉस फिंगर मे बी लेके आऊँ सर, मेहनत अभी से चालू कर दी है, जुलाई में लाइक कॉम्पिटिशन है, तो आई होप कि प्रो कार्ड मिले। और इस बार जब तुम अच्छा प्रो कार्ड मिलने के लिए अगर तुमको गुरु ढूंढो ना, तो नोबडी इज़ परफेक्ट, हर एक में कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी क्योंकि कोई देर इज़ नो परफेक्ट मैरिज, देर इज़ नो परफेक्ट पेरेंट, देर इज़ नो परफेक्ट टीचर, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तुम्हें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। एडजस्टमेंट इन अ वे कि तुम्हें अगर जैसे तुम्हें उनकी नेचर पता है तो तुम अलर्ट रहोगे, अब कोई नया कोच होगा पहले ही समझ जाओ कि यार ये मुझे कुछ भी कर सकते हैं, नेवर ट्रस्ट पीपल बट गिव देम दैट रिस्पेक्ट, ट्रेनर्स तो खासकर है, कोचेस तो खासकर, तुम्हें मैंने इतने वीडियोस भी करे हैं इसके बारे में, इट्स अबाउट योर हेल्थ सबसे बड़ी बात, अगर तुम्हें वो मैं एक ही बात बोलूँगा आपके ट्रेनर को भी बात बोलूँगा, सारे कोचेस को भी बात बोलूँगा, अगर आप किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं बिना लेबल की बिना उसकी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप बता दीजिए आप क्या दे रहे हो, बिकॉज होगा क्या कल को कोई ऊपर नीचे ऊंच नीच होती है, कुछ ये हॉस्पिटलाइज हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, एटलीस्ट ये डॉक्टर को जाके ये बोल सकें कि यार मैंने ये लिया था। सर एक दो बंदे हो ही चुके जिम के, मैंने बोला नहीं अभी तक, एक दो बंदे हो चुके हॉस्पिटलाइज, वो लाइक अभी हॉस्पिटल में ही है, तो उनका लाइक एक का लीवर स्वेल हो गया लाइक काफ़ी ज़्यादा, लाइक काफ़ी वैसी सिचुएशन है मतलब कि बिल्कुल ही। शेयर करो यार, यू मस्ट शेयर दीज थिंग्स ताकि लोग अवेयर हो। सर मैं यही बोलूँगा, बस यही मेरा एक पॉइंट है, मैं हर किसी को आजकल यही बोलता हूँ कि मतलब अगर आप जो भी ले रहे हो ना, आप इतने ब्लाइंड मत हो जाओ लाइक बॉडी बनाने में कि बस मेरे को बॉडी बनानी है, आप इतने फिजिक लाइक आप इतने ब्लाइंड मत हो जाओ कि आप जो मर्जी जिस मर्जी में ट्रस्ट कर लो लाइक कि मेरे को ट्रस्ट है आप जो भी दोगे ले लो, वो मत करो बिकॉज उससे क्या आप वो आपको देखो उनको बनाने पैसे, वो पैसे बनाएंगे सर। सर जहाँ तक मुझे लगता है ना आजकल से जितने भी हैं
सर सारे बच्चे जितने भी यंगस्टर हैं सारे स्टेरॉइड्स ले रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। हाँ सर मेरे साथ आते ही डायनाबॉल एनावर जितने भी हैं सर सारे ले रहे हैं, बट उनको पता है कि ओवरऑल चल ठीक है, बट सर आते हैं जब इंजेक्शंस की बात लाइक एनाबॉलिक्स की बात उनको पता ही नहीं है क्योंकि बॉडी में क्या जा रहा है। सर मेरे सामने होता है केमिस्ट में, सर एक केमिस्ट की शॉप पे मिलता है आपको टेस्ट का मिलेगा और स्टैनर का मिलेगा, वही स्टैनर टेस्ट का लगाया जा रहे हैं बार बार। और सर गायनों की प्रॉब्लम इतनी हो रही है, मेरे जिम में दो बंदों को गायनों की प्रॉब्लम हो गई है। लाइक सर मेरी एज 18 है, मेरी एज इस टाइम 21 है, तो मेरी ऑब्वियस होता है मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी हाई है, आई डोंट नीड दैट मच ऑफ लाइक टेस्ट अगर मेरे को यूज़ करना है तो। अब वो 800 mg ले रहे हैं पर वीक, तो ऑब्वियस होता है आपका वो टेस्टोस्टेरोन DST में कन्वर्ट होगा, DST में कन्वर्ट होगा उसका एस्ट्रोजन लेवल आपका बढ़ेगा, उसका वो बढ़ेगा तो आपके ऑब्वियस होता है मैन बूब्स आएंगे। तो उनको पता ही नहीं है कि अगर हम ज़्यादा टेस्ट लेंगे तो हमारा गायनो पक्का ही है, हमारा DST बढ़ेगा, DST के बाद हमारा हेयर लॉस हो सकता है, हेयर फॉल होगा, DST बढ़ेगा तो उसके बाद सर वो आएगा एस्ट्रोजन लेवल पे, अगर वो बढ़ेगा तो मैन बूब्स आएंगे। करेक्ट है, क्योंकि लड़कों को बॉडी चाहिए ना, कि उन्हें लगता है कि बस जैसे मर्जी अगर ज़्यादा डोजेस लूँगा तो जल्दी बन जाएगी। इंस्टाग्राम पे बस फोटोज़ डालनी है, भाई इसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं यार, इसकी तो लाइफ बहुत अच्छी है, इसको तो लाइक लड़कियाँ लाइक फैन गर्ल्स फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी है, मतलब यार मेरे को भी ऐसी बॉडी बनानी है। सर मेरे को आते मैसेज इंस्टाग्राम पे बहुत आते हैं कि सर आपकी सर इतनी होंगी, सर सर हम मेरे को सर आपके ऐसी बॉडी बनानी है, सर मेरे को आपकी ऐसी बनानी है। तो सर ऐसे जिम में है मेरे लाइक जहाँ मैं वर्कआउट करता हूँ कि भाई मेरे को आपके ऐसी बॉडी बनानी है चाहे जो मर्जी हो। और सर इसका ही लाइक प्रॉफिट उठा के ना फ़ायदा उठा के ट्रेनर्स पागल नारे बंदों का फेक सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, फेक प्रोटीन दे रहे हैं। सर आजकल फेक प्रोटीन इतनी हो पा रहे हैं बिकॉज आजकल ऑनलाइन काफ़ी हो गया है, लाइक अमेजोन न्यूट्रा बे आप भी कर रहे हो, तो आजकल ये काफ़ी हो गया है। अब इंस्टेड ऑफ प्रोटीन अब आ गया है एनाबॉलिक्स, कि अब उससे पैसे कैसे अब उससे पैसे कमाने हैं, बिकॉज अब आजकल लाइक बंदे काफ़ी अवेयर हो गए हैं कि प्रोटीन सब फेक बंदे ले रहे हैं, जो ज़्यादातर गुरुजी ट्रस्ट कर रहे हैं वो गुरुजी से ले रहे हैं, बट ज़्यादातर आज बंदे और अवेयर हो गए हैं तो आजकल ऑनलाइन ले रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ प्रोटीन अब वो ले रहे हैं स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स के ऊपर लाइक फेक काफ़ी हो रहा है सीन, तो वही सर मेरा मेन पॉइंट यही है कि लाइक जो भी लो पहले तो उसके लिए पूरी इन्फो लो कि अगर हमारी बॉडी में चीज़ जा रही है तो वो कैसे कन्वर्ट हो रही है, कैसे इसको कैसे इसको प्रिवेंट करना है, जब भी हम ले रहे हैं तो उस चीज़ को हमें कैसे प्रिवेंट करना है और उसे कैसे हम निकालना है। बिकॉज आज से क्या बंदे आ रहे हैं जिम में आ रहे हैं लाइक कुछ भी ले लिया PCT नहीं कर रहे, उनको बस बॉडी बनानी है सामान लेना है PCT नहीं कर रहे पोस्ट साइकिल थेरेपी। क्योंकि बॉडी बनाने का एक ऐसा क्रेज़ हो गया कि एक लड़का भी आया था अक्षत जो इंस्टाग्राम के चक्कर में कि मुझे इंस्टाग्राम पे अच्छा लगना है, वो पतला सा लड़का एंड ही स्टार्टेड यू नो अब्यूजिंग एनाबॉलिक डायनाबॉल ने उसकी हालत ख़राब कर दी। सो मेरा यही है यार, आप प्लीज़ यू नो यू आर एजुकेटेड यू आर स्मार्ट, आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना, यू नो प्लीज़ फोकस मोर ऑन इन्फॉर्मेशन। एक अच्छी नॉलेज हो आपके पास, अच्छी नॉलेज होगी तभी आप इन चीज़ों से दूर रहोगे। बट आई वांट टू थैंक यू सागर भाई कि आप आए, तुमने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, लोगों को एजुकेट करा, और मैं आपके ट्रेनर को यही बोलूँगा, आपके कोच को भी यही बोलूँगा कि कोई डिफरेंसेज है अगर आपको ऐसा लग रहा है यू मस्ट टॉक इट आउट, बिकॉज एक अच्छे कोच का लाइफ में होना जो भी मैं आज हूँ ना लाइक जितने मैंने आजकल अचीव करा है लाइक वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा है। सो चाहे वो आपके साथ चाहे वो मेरे साथ जैसे मर्जी रहें, चाहे रूड रहें, जैसे मर्जी चाहे मेरे से बात ना करें, बट आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम। करेक्ट, आई लाइक आई स्टिल सपोर्ट हिम एज अ लाइक स्टूडेंट। बिल्कुल सपोर्ट भी करूँगा, ये कि ये नहीं बोलूँगा कि हाँ चलो ऐसे चलो वो भी नहीं कर रहा मैं भी बात नहीं कर रहा, बट नहीं अगर वो बात नहीं तुम्हारे मुँह से कभी उनके अगेंस्ट कुछ नहीं निकलना चाहिए, ना उनका नाम निकलना चाहिए। गाइस जो भी रिमेंबर एक टीचर का दर्जा पेरेंट्स की तरह होते हैं, चाहे आपके साथ वो कुछ भी करें नेवर एवर से एनीथिंग अगेंस्ट हिम। अगर आपको लगता है कोई आपकी प्रॉब्लम है, आप समझ गए कि यार ही इज़ नॉट द गाय फॉर मी, आप जस्ट पार्ट वेज, नमस्ते करके आप निकल जाओ। प्लीज़ डू नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हिम और हर कि होगा क्या, वो बड़े हैं, बड़ों की इज्जत करना, बिकॉज आपकी आपको ग्रो करना है लाइफ में, आपको इन चीज़ों में नहीं पढ़ना कि वो मेरे बारे में ऐसा कहता है, मेरे बारे में ऐसा कहता है। फोकस ऑन योर गोल, गोल एक अच्छी बॉडी, अच्छी बॉडी के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए यू नो यू नीड पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी नहीं चाहिए तुम्हें कि मेरे बारे में ये बोल रहा है यार वो ऐसा है, उसने मेरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी। स्टे ऑन द गुड थिंग्स, ऑलवेज ऑन द गुड थिंग्स। तो मैं ये तुम्हें को करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा और यही प्रे करूँगा, स्टे हेल्थी एंड डू वेल। ये भी TG कनेक्ट में आ रहे हैं गाइज, यू नो आई ऑल्सो इन्वाइटेड हिम 5th of January, आप आना मत भूलेगा, यू नो मेट्रो वॉक रोहिणी में।
स्पॉन्सरशिप इवेंट होने वाला है, मैं सारी डिटेल्स डालूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं बार बार रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज आपका ही फायदा होने वाला है, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ इस इंडस्ट्री में सबका एक फ्यूचर हो, एक करियर हो, और आप अपने पेरेंट्स को लेके भी आएगा, वो भी देखें कि कितना बड़ा इवेंट फिटनेस इंडस्ट्री में हो सकता है। थैंक यू सो मच सागर भाई बात करने के लिए, मेरे को इन्वाइट करने के लिए। उसके लिए सर थैंक यू सो मच सर, मैं स्टिल इन शॉक कि मैं लाइक आपने मुझे इन्वाइट करा है सर, सो थैंक यू सो मच सर। प्लेजर इज ऑल माइंड गाइस। सो आप भी आ सकते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज गो टू tarungilltalks.com, आपने आपको रजिस्टर करिए एंड वी विल बी हैविंग अ कॉन्वर्सेशन और अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में।